हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे बताइए कि कोई भी ब्रेड सूख जाने के बाद आप उसका क्या करते हैं, गरम करके चाय के साथ खाते हैं या फिर वड़ा पाव की चटनी बनाते हैं। दोस्तों ड्राई ब्रेड की मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि आप फ्रेश ब्रेड के साथ भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी बनाते बनाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले पैन गरम करने के लिए रख दें, फिर जितना मन चाहे उतना बटर डाल दें, घर का ही है, कम से कम 2 टेबलस्पून बटर तो भी डालना है। फिर उसमें 3 ड्राई ब्रेड के चंक्स डाल दें। आप फ्रेश ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बटर में इन सब पीसेस को थोड़ा सा क्रिस्प होने तक फ्राई करें। 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद देखिए ये थोड़े क्रिस्प हो गए हैं और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। क्रिस्पी हो जाने के बाद आप प्लेट में इनको निकाल के रखें। फिर उसी गर्म पैन में 2 टेबलस्पून भर के बटर डालें और फिर उसमें चॉप किए हुए वेजिटेबल्स डालें। हमने यहाँ ककड़ी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर चॉप किए हैं। स्वीट कॉर्न के साथ साथ इसमें कच्चा आलू और बीटरूट भी ग्रेट करके डाले हैं। सबके क्वांटिटी आप 2 से 3 टेबलस्पून ले सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए इन सभी को फ्राई करें। हमने इसको 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया है। गैस बंद करने से पहले इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दें और थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दें। देखा बीटरूट का कलर कितना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अभी इसे हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम बेस में टोस्टेड ब्रेड रखेंगे जो हमने बटर में फ्राई किया था। ऊपर से थोड़ा केचप डालेंगे, फिर फ्राइड सैलेड। सैलेड के ऊपर आप केचप, पेरी पेरी मसाला और मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और सबसे ऊपर टोस्टेड ब्रेड के पीसेस रख दें। तो ये था दोस्तों टोस्टेड ब्रेड सैलेड, बहुत ही हेल्दी और यूनिक है। आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए।